इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार रात तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता के घर पर छापेमारी की। इस दौरान शशिकला के कमरे की भी तलाशी ली गई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बार फिर तमिलनाडु में छापेमारी की। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बाहर पुलिस तैनात की गई थी। छापेमारी की खबर जब शशिकला और दिनाकरन के गुट तक पहुंची तो उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर जयललिता के घर को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। AIADMK के पूर्व विधायक और TTV दिनाकरन समर्थक VP कलाई राजन ने कहा कि ये छापेमारी राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत की गई है। दिनाकरन ने भी इस छापेमारी की निंदा करते हुए कहा कि ये अम्मा की आत्मा के साथ विश्वासघात है। वहीं जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने कहा कि शशिकला और दिनाकरन के चलते ये कार्रवाई गैर कानूनी तरीके से की गई है। And my aunt. So we are not going to allow that to happen either ways. And I'm very much sure that Sasikla's family is behind this. You mean the IT raid? Yes, IT raid, because they have cooperated. It's very clear, evident that they are not allowing me to even get near the in front of the gate. बता दें कि पोएस गार्डन वही बंगला है जिसमें दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता और बाद में उनकी करीबी शशिकला रहा करती थी। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शशिकला के 187 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित आय का पर्दाफाश हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।